Hello friends, welcome back to Car Energy with one more video of Hyundai Santro. This is a new model Hyundai Santro. VS4 है जो नया मॉडल है, इससे पहले वाला सेंट्रो नहीं, नया मॉडल है। इस पर मैंने देखो ये गाड़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है इसके अंदर जो है पेट्रोल में ही गाड़ी के अंदर वो दम नहीं है। इस गाड़ी के अंदर ये मतलब गाड़ी आई और ख़त्म हो गई, मतलब दोबारा से कंपनी इसको BS6 में लाई नहीं। इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल में ही बहुत भारी कमी है, पिकअप नहीं है, और CNG लगने के बाद तो और दब जाता है। मतलब अगर मैं केवल डब्बा और सिलेंडर लगाऊं तो ये इस गाड़ी में CNG कामयाब नहीं है। इसको कामयाब करने के लिए देखो जो किट लगाया मैंने मोटोजैन का लगाया, और इसको जेन्युइनली मैं नॉर्मल स्टैटिक एडवांसर लगाता ये गाड़ी कामयाब नहीं होती। इसमें मैंने लगाया डायनेमिक एडवांसर, और ये लगने के बाद मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ गाड़ी के अंदर कोई जर्क नहीं, लैग नहीं, कुछ नहीं, और गाड़ी A1 चलेगी, इवन पेट्रोल से बढ़िया चलेगी। ये इसमें जो किट लगाया मैंने मोटोजैन VS4 लगाया, यहाँ से गैस फिल होगी, डायरेक्टली सिलेंडर पे जाएगा। ये आपका रिड्यूसर है डबल स्टेज का, पीछे से जो भी गैस हाई प्रेशर में आया यहाँ रिड्यूस होके जो इसको ECM से कमांड मिला उसी हिसाब से ये रिलीज़ हुआ। इसमें जो ECM आता है आपका 32 पिन का ECM है, मेड इन इटली, और ये इंजेक्टर है जहाँ से गैस आपकी फाइनली पंप हो रहा है। इसके अंदर एक्स्ट्रा मैंने फ़िल्टर लगाया लवेटो का ताकि सारी गैस फिल्टर होके जाए। इसके अंदर इंजेक्टर्स में मैंने सारा सॉकेट टू सॉकेट, कपलर टू कपलर फिटिंग किया हूँ मैं। ये सारा इंजेक्टर्स आपका सॉकेट टू सॉकेट है, चारों इंजेक्टर्स सारा काम करके दिया। वायरिंग देखो आपके ECM से और डायनेमिक एडवांसर से ये जो वायरिंग जा रहा है ये सारा स्पाइरल ट्यूबिंग में जा रहा, प्रॉपर स्लीव। मैंने इससे पहले सेंट्रो लगाया हूँ मैं न्यू मॉडल, उसमें मैंने डायनेमिक एडवांसर नहीं लगाया, और मेरे को वो दिन याद है, आज भी याद है, वो गाड़ी में मज़ा नहीं आया, वो गाड़ी बहुत परेशान था बंदा, और जैसे ही मैंने डायनेमिक एडवांसर लगाया मैंने वो कामयाब हो गई गाड़ी। बहुत चक्कर लगाया उन्होंने, मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन आफ्टर पुटिंग डायनेमिक एडवांसर आज के डेट में मैंने जितने भी न्यू मॉडल BS4 सेंट्रो लगाता हूँ मैं उसमें सब में डायनेमिक एडवांसर लगाता हूँ, और सारा काम करके दिया आपका कपलर टू कपलर, आपका गैस फिल्टर, डायनेमिक एडवांसर, स्पाइरल ट्यूब स्लीविंग सारा काम करके दिया हूँ मैं। इस गाड़ी के अंदर जो सिलेंडर लगाया हमने 12 kg का सिलेंडर लगाया, एक बार मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ। मैं इस पर स्टेपनी खड़ी होगी, आपको अगर सामान रखना हो आप इसके अंदर जो है आप ट्रे हटाओ और इसके ऊपर बड़े से बड़ा बैग आप आराम से रख सकते हो। जो स्टैंड का क्वालिटी मेरा वही मोल्डेड रबर ग्रिप पाइप स्टैंड है, नट बोल्ट आपका TVS कंपनी का नाइलोलॉक नट बोल्ट है, एक बार फिक्स हो जाता है कभी लाइफ में लूज़ नहीं होगा, और डक्टिंग एक बार क्लैंपिंग करूँगा लीकेज चेक होने के बाद। तो चलो अब एक बार चलते हैं, CNG डलवाते हैं और सेटिंग करते हैं और देखते हैं भाई गाड़ी कैसी चलती है। मैं इससे पहले बार बार कह रहा हूँ सेंट्रो न्यू मॉडल लगाया मैंने, उस टाइम डायनेमिक लगाता नहीं था मैं, उस गाड़ी में वो भाई बहुत परेशान था, लेकिन उसके बाद मैंने कई सेंट्रो न्यू मॉडल लगाया मैंने और सब में एक नंबर है। चलो एक बार गैस डलवाते हैं और इसकी सेटिंग करके देखते हैं गाड़ी कैसी चलती है, आइए। लो अब एक तो सेंट्रो न्यू मॉडल वैसे ही डिफ़िकल्ट कार था, और मैं बताना भूल गया है ये गाड़ी भी सेंट्रो न्यू मॉडल है और EMT है, ये और चैलेंजिंग हो गया, ज़बरदस्त। अब चलो अब एक बार भैया से पूछते हैं गाड़ी कैसी चल रही है, ऑनेस्टली सारे सेंट्रो भाई के लिए। सर बहुत बढ़िया चल रही है, जैसे पहले गियर में पेट्रोल में लैग आता था वो भी नहीं आ रहा, मतलब दिस इज इवन बेटर देन पेट्रोल। हाँ जी वो आपका उसका उसका रीजन है उस डायनामिक, उसमें क्या है डायनामिक आपका पेट्रोल पे काम नहीं कर रहा। हाँ आपका डायनामिक काम कर रहा CNG पे। हाँ जी मतलब हर एक गियर पे अब जैसे गियर चेंज हो रहा है, गियर शिफ्ट हो रहे हैं तो स्मूथ ही हो रहे हैं, मतलब जर्क पेट्रोल से बैटरी चल रही है, मैं तो बताऊं तो कोई जर्क नहीं है, नहीं मन खुश हो गया एकदम। हाँ जी बढ़िया। और फिटिंग कैसा रहा? फिटिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है, बढ़िया। टाइम लगा लड़के ने फिटिंग बड़ा सा, हां थोड़ा टाइम लगा लेकिन बढ़िया। दिस इज़ रियली चैलेंजिंग, मैं कहता हूँ सेंट्रो न्यू मॉडल ये जो गाड़ी है BS6 में डिसकंटिन्यूड हो गया, कुछ ही गाड़ियाँ बिकी हैं,
सेंट्रो को पता नहीं इन्होंने क्या किया, ह्यूंडई वालों ने एक अच्छी खासी सेंट्रो को इन्होंने डिसकंटिन्यू किया पहले पुराने सेंट्रो को 2014 के बाद। उसके बाद साल दो साल के बाद ये गाड़ी ले आए, और ये गाड़ी आने के बाद भी मतलब जो इनकी क्वालिटी पहले सेंट्रो में था वो इस सेंट्रो में नहीं है। और लेकिन मैंने इस गाड़ी के अंदर सीएनजी ज़बरदस्त करके दिया हूँ मैं, और एक तो डिफ़िकल्ट कार है ही है उस पर एएमटी, मतलब इस गाड़ी के अंदर मतलब ऐसा करके दिया मैं कि दिस इज़ इवन बेटर देन पेट्रोल, दिस मैन इज़ ड्राइविंग एंड दिस इज़ इवन बेटर देन पेट्रोल। मज़ा आएगा इन लॉन्ग रन। द ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर इज़ दैट थ्रॉटल बॉडी एंड स्पार्क प्लग ये टाइमली क्लीन कराते रहें और चलाते रहें, कोई दिक्कत नहीं होगा सालों साल। चलो मज़ा आएगा। चलो इस तरह का वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।